अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 9th क्लास और ये कराची और सिंध बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली मैट्रिक लेवल पर 9th की बुक। तो स्टार्ट लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिन्हें हमें लॉगरिथम के फॉर्म में इंडिकेट करना है या लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 raised to power 3 is equal to 343। इसके सोल्यूशन मैं साइड पर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये होगा कि हम लॉगरिथम जब अप्लाई करेंगे तो लॉग की जी के साथ यहाँ छोटा सा जो नंबर लिखा जाएगा वो लॉग की बेस कहलाएगी, और यहाँ जो नंबर लिखा जाएगा वो लॉग की बेस होगी, और लॉग की बेस वही सेम बेस होगी जो यहाँ पर बेस है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में, नॉर्मल कंडीशन में जो बेस है 7 और उसकी पावर 3, तो जो 7 बेस थी वो यहां पर लॉग की बेस बन जाएगी और लॉग के जी के साथ इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से इक्वल टू 343 था, तो ये 343 हमारे पास लेफ्ट साइड पर लॉग के सामने बिल्कुल लिखा जाएगा, एंड देन जो पावर थी वहां पर एक्सपोनेंट वो राइट साइड पर इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लॉग के अंदाज से जब हम लिखेंगे तो फिर से देख रहे हैं आप कि बेस बेस रहेगी, 343 लॉग के सामने आ जाएगा, यानी लॉग 343 पर अप्लाई होगा, और इसी तरीके से जो 3 पावर थी वो राइट साइड पर चली जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की सोल्यूशन देखें तो सिंपली ये इसका आंसर होगा। इसकी सोल्यूशन देखें तो हमारे पास लॉग बेस यहां 3 है, 3 बेस होगी, 1/181 राइट लेफ्ट साइड पर लॉग के सामने आ जाएगा, जबकि माइनस का 4 लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का की सोल्यूशन देख लें कि लॉग के साथ बेस आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर 10, क्योंकि यहाँ 10 बेस है, वही सेम बेस आएगी लेकिन छोटे साइज में मेंशन करेंगे उसे, 0.001 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा लॉग के सामने, और माइनस का 3 जो कि पावर था वो राइट साइड पर इंडिकेट कर देंगे इक्वल। इसी तरीके से क्वेश्चन 4 पार्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का। अच्छा, यहां पर हमारे पास एक स्टेप हमें करना होगा, वो ये करना होगा कि m की पावर 2 और इसकी जो पावर आएगी वो 1/3 पावर आ जाएगी। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर इस वक्त क्या है, 3। तो हमारे ये इंडेक्स नंबर, जब रूट का साइन हटेगा, रेडिकल का साइन हटेगा, तो आपको याद रखना है जो इंडेक्स होता है 1/ में वो इंडेक्स आ जाता है। अगर इंडेक्स कोई नहीं होता यानी 2 होता है यहां पर, तो 1/2 आ जाती इस बेस की पावर m की पावर 2 की। इक्वल टू 1 है तो सेम टू सेम इक्वल टू 1 ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में मैं ये कर दूं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, यानी m की पावर 2/3 हो गई, इक्वल टू 1 है। अब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग की एप्लीकेशन से देख सकते हैं आप, लॉग की एप्लीकेशन से m जो बेस है वो m बेस ही रहेगा, 1 इस साइड पर शिफ्ट हो गया, जबकि 2/3 जो कि पावर थी वो राइट साइड पर चली जाएगी। आई होप कि आपको स्टेप्स क्लियर होंगे। इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आ रही है तो वीडियो को स्टॉप कर देखें, और मजीद क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है क्वेश्चंस जो 2, 3, 4 और आगे इस एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चंस हैं डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह के नाम, अस्सलाम वालेकुम।